वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS एग्जाम्स। चले दोस्तों, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए यह हम न्यू वीडियो है जिन लोगों का काउंसलिंग हो चुका है, उनको अपना स्कूल चेक करना है, अपना अपना विद्यालय को चुनना है, चुनने में आसानी हो, कहाँ पे लेना लेना होगा। तो आप यहाँ पर पूरा लिस्ट देखेंगे, पूरे जितने भी उस ब्लॉक में, उस जिले के ब्लॉक में जितने भी स्कूल होंगे आपको सारे दिखाई पड़ेंगे। तब पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे। मान लेते हैं कि मेरा सिलेक्शन अगर किशनगंज में हुआ तो किशनगंज चुनेंगे। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि पोठिया का पोठिया ब्लॉक में, जिसमें व्यूज़ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जितने भी स्कूल हैं इस ब्लॉक के अंतर्गत सारे आपको दिख जाएंगे यहाँ पर एक साथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना, लगभग 231 टोटल स्कूल्स हैं। तो इन स्कूल में जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन पंचायत में हुआ है और जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन प्रखंड शिक्षक के तौर पर हुआ है, उनको मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि आप इसमें क्लियर कट हो जाएँ। मान लीजिए कि पहला स्कूल किशनगंज का पोठिया ब्लॉक में जो भी है वो AMS पोठिया गवर्नमेंट, और ये जो क्लास है फ्रॉम 1 टू 8। तो ये जो स्कूल आएगा आपको पोठिया प्रखंड के अंतर्गत आएगा, या स्कूल में जो प्रखंड शिक्षक बनेंगे उन्हीं को इसमें दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर 9 टू 12 है तो ये तो आपका हाई स्कूल हो गया, प्लस टू हो गया। यहाँ पर 1 टू 5 है तो ये जो 1 टू 5 वाले जो भी स्कूल है, यहाँ पर कौन सा स्कूल है ये, इमाजुद्दीन NPS कोल्ठा नया बस्ती गवर्नमेंट स्कूल 1 टू 5। तो ये 1 टू 5 वाले जितने भी सारे स्कूल होंगे वो पंचायत स्तर के होंगे, यानी कि यहाँ पर जो पंचायत शिक्षक जो नियोजित चयन हुआ जिनका पंचायत शिक्षक में, उनको 1 टू 5 वाले में दिए जाएंगे। और यहाँ पर जो 1 टू 8 दिख रहा है आपको, ये वाला कौन सा स्कूल है, MS मिर्जापुर गवर्नमेंट 1 टू 8। तो ये प्रखंड लेवल के जो शिक्षक चयन हुए हैं वो 1 टू 5 में ही रहेंगे प्राइमरी में, लेकिन उसको पंचायत वाले को 1 टू 8 में मिलेंगे। पंचायत जो प्रखंड वाले हैं उसको 1 टू 8 में मिलेंगे, 1 टू 8 वाले होंगे। और जैसे यहाँ पर 1 टू 5 दिख रहा है तो यहाँ पर ये जो पंचायत शिक्षक बने हैं उसको इसमें दिया जाएगा। इसमें पंचायत शिक्षक आएंगे, इसमें पंचायत शिक्षक, पंचायत शिक्षक जितने दिख रहे हैं आपको 1 टू 5, सारे का सारे पंचायत शिक्षक जो बने हैं उनको दिया जाएगा ये सब स्कूल। और जो प्रखंड वाले हैं वहाँ पर 1 टू 8 वाले होंगे। वो यहाँ पर बहुत नीचे तक देखिए कहाँ तक जा रहा है, ये स्क्रॉल करते हुए सारे 1 टू 5 ही सारे स्कूल दिख रहे हैं अभी तक। चलिए जैसे ये यहाँ पर कौन सा स्कूल है, UMS अपग्रेडेड मिडिल स्कूल धूला बाड़ी। तो यहाँ पर 1 टू 8 वाले हैं, तो ये जो प्रखंड लेवल के शिक्षक चुने होंगे 1 टू 5 में उनको यहाँ मिलेगा, और जो मिडिल स्कूल वाले होंगे उसको तो ये प्रखंड वाले ही मिलेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो भी प्राइमरी लेवल के शिक्षक हैं, या तो प्रखंड लेवल के हों या पंचायत लेवल के हों, उनको प्राइमरी में रहना है, लेकिन प्रखंड वाले को 1 टू 8 और जो पंचायत वाले हैं उनको 1 टू 5 वाले में मिलेंगे। और जो मिडिल स्कूल के लिए चुने गए हैं तो वो प्रखंड लेवल के ही स्कूल में जाएंगे, पंचायत लेवल के स्कूल में वो नहीं जाएंगे, क्योंकि पंचायत लेवल में 1 टू 8 होता ही नहीं है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इन सारे लिस्ट को आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप किसी भी इसको रख के सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ऑल कर लेंगे, आपके इस पेज पर जितने भी सारे नाम्स हैं सारे आपके सिलेक्ट हो जाएंगे, और आप कहीं पर जाकर के अपने व्हाट्सएप में जाकर के पेस्ट कर लेंगे तो आपको सारा स्कूल का नाम एक जगह पर कलेक्टेड मिल जाएगा। फिर वहाँ से आप अपना आसानी से चुन सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बार में सारे स्कूल को जल्दी नहीं दिखाते हैं, कम दिखा रहा है, तो आप इस तरह से अपना स्कूल का चयन कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें।